हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। सरकार की तरफ से कुछ ही दिन पहले एक नया अपडेट, एक नया आदेश जारी किया गया है। इस अपडेट के तहत अब आपका एक परिवार कार्ड यानी कि एक फैमिली कार्ड बनाया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी के मन में सवाल होगा कि ये परिवार कार्ड या फैमिली कार्ड होता क्या है, इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और ये परिवार कार्ड या फैमिली कार्ड कौन कौन बना पाएगा। आज की वीडियो में ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आपको इस परिवार कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस परिवार कार्ड को बना पाएंगे और यहाँ पे आपको इसके क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि परिवार कार्ड या फिर फैमिली कार्ड होता क्या है। तो देखिए, परिवार या फैमिली कार्ड एक तरीके का नॉर्मल कार्ड होता है। इस कार्ड के अंदर आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी होती है, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई खुद का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि इस फैमिली कार्ड को कौन कौन बना सकता है, यानी कि किन किन लोगों का यहाँ पे ये फैमिली कार्ड या परिवार कार्ड बनाया जाएगा और साथ ही इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये जानने के लिए चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए, जब आप यहाँ पे ट्विटर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे परिवार कार्ड या फैमिली कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से 30 जून को ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं, हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। यानी कि यहाँ पे यूपी के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी परिवार हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पे एक परिवार कार्ड बनाया जाएगा आने वाले समय में। जैसा कि मैंने बताया, इस परिवार कार्ड के अंदर आपके रोजगार से संबंधित जानकारी होगी कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग रोजगार कर रहे हैं और कौन कौन से लोग बेरोजगार हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपके इस परिवार कार्ड के अंदर मेंशन होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस परिवार कार्ड का आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, जब आपका ये परिवार कार्ड बन जाएगा तो यहाँ पे इस परिवार कार्ड के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान हो सकेगी जो कि किसी भी किस्म का रोजगार नहीं कर रहे हैं, ना तो वो सरकारी नौकरी करते हैं, ना कोई खुद का काम करते हैं, ना ही कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया जा सकेगा और उस आधार पे यूपी में एक परिवार में से एक व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी दी जा सकेगी। यानी कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा कि परिवार के एक सदस्य को कम से कम यहाँ पे नौकरी दी जा सके। अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक डाउट और होगा कि क्या ये परिवार कार्ड यूपी में जितने भी परिवार हैं उन सभी का बनाया जाएगा। तो बिल्कुल, यूपी में जितने भी परिवार हैं उन सभी का ये परिवार कार्ड यहाँ पे आने वाले समय में बनाया जाएगा। इस कार्ड को बनाने के लिए हालांकि अभी किसी भी तरीके का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया है, पर जल्द ही यहाँ पे उम्मीद है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके से आपका ये कार्ड बनाया जाएगा। तो अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसके लिए ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, परिवार में से एक सदस्य को यहाँ पे नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा अपडेट था जिसके बारे में आप सभी लोगों को मुझे जानकारी प्रोवाइड करवानी थी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।